गुड मॉर्निंग। आराम से आराम से आराम से। गुड मॉर्निंग, फिर से आपका स्वागत करता हूँ नए व्लॉग में। और आज हूँ मैं पहाड़ों के अंदर, और यहाँ से कंचनजंगा पहाड़ दिखता है, ये है पहाड़। और मैं हूँ चाय के बगान में, चाय के खेत में, यहीं पे मैं सोया था आज, इधर साइड में। और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ क्या यू ओई ओई। बहुत डिफिकल्ट है इधर उतरना भी। मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको चाय की खेती, और अभी उसमें कुछ कटाई चटाई चल रही है, वो दिखाता हूँ। अभी बढ़िया से उतर जाता हूँ, नहीं तो फिर गिर जाऊँगा मैं। ये पूरा काट दिया आपने चाय, पूरा ही काट दिया। आई अब चाय पत्ती कैसे होगा? मैं ना बोल दी ना, मो जा वो सारा बोला वो बिना था, बिना था तुझे पाव। ये पेट क्यों काट रहे हो? इससे चाय पत्ती नहीं आएगी भैया, इससे चाय पत्ती नहीं आएगी। अब ये क्यों काट रहे? नहीं क्यों काट रहा है बंदे से? क्यों काट रहा? क्यों काट रहा है बंदे? एलपी हो, एलपी 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 काट रहा है। तो इससे क्या होता है? ये एलपी का मतलब घास भूस को अच्छा बनाना पड़ेगा इसको। अच्छा, जो इतना छोटा काटेगा ना, उतना उसका मुना अच्छा से आता है। अच्छा, इतना लंबा काटेगा तो थोड़ा थोड़ा आता है, इसलिए पूरा नीचे से काटते हैं। अब ये फिर से आएगा नया? अच्छा, तो इस पत्ते का अभी क्या होगा? ये कटा जो बेकार, ये पत्ते का कोई काम ही नहीं, ये कोई काम नहीं, इससे चाय पत्ती नहीं निकलेगा। हो गया, अच्छा इसका टाइम हो गया। जी, अब इसका जब काटेगा ना, उसका बाद में फिर दूसरा मुना आ जाएगा। अच्छा, दूसरा मुना आने से बस अच्छा क्वालिटी आ जाएगा इसका। अच्छा, ये ले आया था अभी, इसको एल पी बोलता है, और उधर एक काट रहा है एल एस काट रहा है। एल एस, एल एस, एल एस क्या होता है? एल एस का अर्थ ये जो टिफिन है ना, टिफिन इसका और अच्छा से तरीके से काटना पड़ेगा। अच्छा, तो उसका जल्दी से जल्दी मुना आ जाएगा इसमें, तो देर इसको कम से कम जून जुलाई में आ जाएगा। अच्छा, ये देखो गाइस, यहाँ पूरा कटिंग हो रही है, ये पूरा काट दिया इधर पत्ते को, ताकि इससे अब जो भी आए वो नया आए और अच्छा अच्छा आए। उसके बाद चाय का पत्ता टूटेगा, सूखेगा, मशीन में जाएगा, फिर रेडी होगा, फिर पैकिंग होगा, फिर आप लोगों को चाय मिलेगा, और सुबह सुबह आप लोग चाय पियेंगे कड़क चाय। आपका चैनल का नाम तो क्या है? राइडर रोनी। राइडर रोनी है। अभी ये खेत आप लोगों का है? ये सारे या एम्प्लॉय काम करते हैं? वो मालिक। अच्छा, यहाँ काम करते हैं? ना। अच्छा, यहाँ का रहने वाला? अच्छा, यहाँ का रहने वाला। एक दिन में कितना होता है इसमें कमाई? 200 बस, एक दिन में कम है 200। और कितने घंटे का काम होता है? 8 घंटे। 8 घंटे में 200 रुपये? बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कम है। बहुत कम है, 200 में बहुत दुख है। बहुत दुख है, 200 रुपये सिर्फ, इतना बड़ा खेती करने का पहाड़ों के अंदर। चलो हम भी काम करेंगे, 200 रुपये आएगा, फिर चिकन खाएंगे। चिकन का दाम कितना है? चिकन का दाम 260 है। 260 है इधर, हमारा काम है 200। 60 रुपये कम पड़ गया, कम पड़ गया, 2 घंटे ज़्यादा कर लेंगे काम। 2 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा पैसा। आराम से मेरे को मत काट देना। चाय की खेती आपको कैसी लगी? ये सारा यहाँ पे चाय ही उगा हुआ है, जितना भी आप देख रहे ना सब चाय ही है, चाय का पत्ता कुछ ही होगा, जंगली
पेड़ पौधे। अभी आज तो फिलहाल कटाई हो रही है और जब ये नया आ जाएगा, कब आता है, मार्च अप्रैल में ना, मार्च अप्रैल में आ जाएगा नया नया पत्ता। उसके बाद फिर से पत्ते को तोड़ेंगे और मशीन में ले जाके रेडी करेंगे सुखा के। अब तक तो सिर्फ सुना था मैंने कि दार्जिलिंग में खेती होती है चाय की, लेकिन आज मैंने देखा भी, और सबसे ज़्यादा ये देखा कि मेहनत कितना है इसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत है। 8 घंटे और 200 रुपये, इमेजिन कर सकते हो। और दार्जिलिंग के अंदर महंगाई बहुत है, ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैवलर हूँ, टूरिस्टर हूँ, तो इसके वजह से हर किसी के लिए इतना ही महंगा है। कल मैं कुछ ख़रीदने गया था सब्ज़ी, वो भी महंगा था, 80 रुपये किलो गोभी अभी के टाइम में, जबकि अभी के टाइम में तो दिल्ली में 20-30-40 ऐसे होगा, यहाँ पे इतना महंगा है। तो सोचो 200 रुपये में क्या होगा, कैसे घर चलाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इधर के लोग ज़्यादातर दिल्ली में, मुंबई में या फिर फॉरेन कंट्री में काम करते हैं। और ये जो चाय यहाँ पे तैयार होती है ना, जिस फैक्ट्री में मैं कल गया था, वो तैयार होती है और फॉरेन कंट्री में भेजते हैं, वो इंडिया को, इंडिया में नहीं भेजते हैं।